नमस्कार, मैं रितु बाला एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रो फ्यूचर इनसाइट चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ चाइल्ड कैसे पता चले आपको, इसके बारे में जानकारी दूंगी। क्योंकि अक्सर फर्स्ट चाइल्ड के बारे में तो इजीली पता चल जाता है, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ चाइल्ड आपका होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, इसके बारे में बहुत सा संशय रहता है पेरेंट्स के मन में। और पेरेंट्स अक्सर ये जानना चाहते हैं, इसके लिए उत्सुक रहते हैं जानने के लिए कि हमारा सेकंड चाइल्ड कैसा होगा, अच्छा होगा कि किस तरह का होगा, तो चंचल होगा कि नहीं होगा, तो उसके बारे में उनके बहुत सारी उत्सुकता रहती है जानने के लिए। तो मेरे पास भी इस तरह के बहुत से क्लाइंट्स आते रहते हैं, तो आज उसी श्रेणी में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि हम इस चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी कि हम पंचम भाव हम कैसे निर्धारण करते हैं कि फर्स्ट हाउस ये होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये पंचम भाव जो होता है ये संतान का होता है, इसी से हम संतान के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट चाइल्ड तो हम पंचम भाव में जो बैठा होता है, जो भी नंबर लिखा होता है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे पांच नंबर लिखा है तो पांच नंबर ही लिखा हो, यहाँ पे आपकी हॉरोस्कोप में 8, 10, 11, 12 कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसमें उसका जो स्वामी होता है उसके हिसाब से पता चलता है कि यहाँ पे आपका कौन सा चाइल्ड होगा, वो कैसा होगा, उसके स्वामी के हिसाब से पता चलता है कि बच्चा कैसा होगा। लेकिन सेकंड चाइल्ड आपका कैसा होगा उसके बारे में हम ये पंचम भाव से नहीं देखते, हम उसके बारे में सेवंथ हाउस से देखते हैं। एक घर छोड़ करके सेवंथ हाउस से वहाँ के स्वामी, वहाँ का लॉर्ड जो बैठा होगा उसके हिसाब से निर्धारण करते हैं कि आपका सेकंड चाइल्ड कैसा होगा, वहाँ का लॉर्ड कैसा है, उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि सेकंड चाइल्ड कैसा होगा। इसके बाद हम अगर थर्ड चाइल्ड का देखना होता है तो वो हम नवम भाव से बताते हैं, और अगर हमें फोर्थ चाइल्ड का देखना होता है तो हम इसी तरह से इलेवेंथ हाउस से बताते हैं। हो सकता है कि बच्चा नॉर्मल होगा या सीजेरियन होगा, बच्चा सीधा होगा या चंचल होगा, डिलीवरी में परेशानी तो नहीं आएगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी या किस तरह की होगी। तो आप इस तरह की सारी बातें जो आगे सेकंड, थर्ड या फोर्थ डिलीवरी में हो सकती हैं वो सारी बातें पता चल जाती हैं। अगर आप भी सेकंड चाइल्ड या थर्ड चाइल्ड के बारे में प्लान कर रहे हो और आप जानना चाहते हो इस तरह की बातें, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और डिटेल्स में जान सकते हैं कि किस तरह से आगे सेकंड, थर्ड या फोर्थ चाइल्ड आपका होगा। और मैं आशा करती हूँ इससे आपको थोड़ी सी मदद ज़रूर मिली होगी जानने में। और आपको अगर ये पसंद आया है चैनल, इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, नमस्कार।